आपको बताते चले गया से खबर है। गया शहर स्थित स्वराजपुरी रोड और बैंक ऑफ बड़ौदा एटीएम मशीन में भारत प्रसाद का लगभग 3000 रुपया बिना कारण डेबिट हो गया, जिस पर शाखा प्रबंधक ने कोई जिम्मेदारी नहीं लेते हुए गया कोतवाली में प्राथमिक दर्ज करने की बात कही। उस पर हो रहे धांधली में शाखा के उपप्रबंधक एवं भारत प्रसाद का कहना है कि एटीएम मशीन में कोई चिप का प्रयोग किया गया, जिसमें यह शिकायत हो रही। संज्ञान में भारत प्रसाद को कोतवाली थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए कहे और शासन से दुरुस्त सेवा करने की बात कही है। भरत जी, आपके साथ बैंक में क्या हुआ? बैंक ऑफ बड़ौदा में मेरा एक अकाउंट है, तो बैंक ऑफ बड़ौदा के स्वराजपुरी रोड स्थित एटीएम से 22/9/2024 को मैंने 2000 रुपया निकाले, विड्रॉवल लिए। निकालने के बाद उसको देख रहे थे, कंटिन्यू लिखाना शुरू हो गया। उसके बाद मैंने अपना एटीएम कार्ड निकाल लिया। एटीएम कार्ड निकालने के बाद उसको दो आदमी बोला कि सर, ये आपका अकाउंट जो है कंटिन्यू है, तो कंटिन्यू विड्रॉवल हम डाले 2000 रुपया दो बार, दो हज़ार दो बार रुपया निकाला, कि एटीएम से पैसा नहीं निकला। और उसके बाद हमको मैसेज आया कि 4000 रुपया आपका अकाउंट से डेबिट हुआ है, लेकिन एटीएम में ही पैसा है जो 48 घंटे में आपको लौट जाएगी। लेकिन पैसा लौटे नहीं, हमने डायरेक्ट इमीडिएट बैंक को इन्फॉर्मेशन किया, बैंक वाला नहीं सर पैसा लौट